ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्मिक योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल राणिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति। चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9198-99466। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के ध्यान को, प्रभु की मंगल मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। अनादिकाल से जन्म मरण का चक्र चला आ रहा है। आप सब ने, हम सब ने 4,84,00,000 जीवायोनियों में भ्रमण किया है। इस जीव ने किया है। जीव यानी इस देह में आत्मा, श्रावक या साधु संथारे से जाता है तो ये होता है कि उनके जीवन में प्रमाणिकता, धर्म के प्रति श्रद्धा, अरिहंत की भक्ति, अरिहंत की सेवा उन्होंने की तो आप सभी परिवार आए। व्यक्ति तो जाता है, चला जाता है, हम दुख मना के क्या करेंगे। अनंत बार आपने जन्म किया और मैंने भी किया, परंतु ये उनके लिए मंगल कामना कर सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी दिया है, जो भी संघ की, समाज की, धर्म की सेवा की है, और जो जो समय उन्होंने संघ, समाज, धर्म की सेवा में जो जो स्वाम से उन्होंने व्यतीत किए हैं, और हम भी ऐसा ही जीवन जिए, हम भी सीखें कि जाना तो सब ने है, और ऐसा जीवन जिए ताकि लोग कहें कि उन्होंने धर्म किया, साधना की, सेवा की। भगवान महावीर की वाणी कहते हैं, जरा मरण वेगेनंग बुझमानान पानेनंग धम्मो दिवो पैठाई कई शरणम उत्तमंग। संसार एक सागर है, जैसे
एक सागर में लहरें उठती हैं लंबी लंबी, विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही संसार, इसमें मनुष्य गति, त्रेंच गति, देव गति, नरक गति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब ने अपने अपने कर्म के अनुसार भ्रमण किया है। ये जीव जैसा कार्य करता है और कारमन शरीर साथ ले जाता है जब जाता है, तो जो भी आपने मैंने कर्म किए वो कारमन शरीर साथ जाता है और कोई साथ नहीं जाता। धन नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, बेटा नहीं, बंगला नहीं, कोटी नहीं, पर जैसा उसने कर्म किया, पुण्य किया, पाप किया, सत्य किया, असत्य किया, धर्म किया, अधर्म किया, वो साथ जाता है। तो वही कारमन शरीर साथ लेकर के जीव चला गया। और कहाँ गया? ये केवली जानते हैं, अरिहंत जानते हैं, हम नहीं जानते, पर जीव की इतनी शक्ति है कारमन शरीर, जहाँ भी जाना होता है हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, वो जीव निकल करके चला जाता है। और यही जीव जब मोक्ष जाता है तो 26 देवलोक पार करके 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी सिद्धिशिला के अग्रभाग पर चला जाता है। आप और हम मंगल कामना करते हुए, आप भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, इस जीवन में हमें भी संतारा आए और हम भी समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य कर सकें। श्वासें तो आएंगी चली जाएंगी, श्वासों का कोई भरोसा नहीं, आती है जाती है, परंतु इन श्वासों के साथ जो व्यक्ति संघ की, समाज की, धर्म की, साधु साधियों की सेवा कर लेता है, धर्म का कार्य कर लेता है, बहुत ही अपने जीवन को सफल कर लेता है। कोई आत्म प्रदेश नहीं रहते, व्यक्ति चला जाता है जहाँ जाना होता है, अंतर मुहूर्त में ही, नहीं तो 3 समय में चला जाता है। वो क्या, ना घर में रहते हैं ना कोई आत्मा रहती, ये सब मिथ्या धारणा है। और कोई धारणा पर आप उसको महत्व, केवल जैन धर्म जो रीतराग धर्म है, शुद्ध धर्म है, वेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद, जड़ यानी शरीर, इस पर हमने कितना मोह किया, कितना इसको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, धन कमाया, बंगले कोठी, क्या साथ जाता है? सब चला जाता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, पर हम भूल जाते हैं। हमारा क्या, शमशान तक जाके आते हैं फिर वही काम करने लग जाते हैं। इससे हम सीखें, मैं भी सीखूं कि आप भी सीखो, जीवन में निजता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता, प्रामाणिकता होनी चाहिए। और जो भेद ज्ञान करते हुए साधना करें, हमारे YouTube में सारे ध्यान शिविर है, आप आधा घंटे का ध्यान करो, सुबह उठ करके सो हम को हम मैं मेरा का ध्यान करो, और ध्यान करके जो जीव है, जो निराकार है, अष्ट गुणों की संपदा है, सुख आनंद शांति ज्ञान आत्मा में है, उसका अनुभव करो और उसमें रहो, वही आपके जीवन को सार्थक करेगा। ये देह मिली है, इसलिए मिली है जीव को मुक्त करने के लिए मिली, ये जीव कैद है इसके अंदर और ये मुक्ति चाहता है, और हम उसको और जन्म और मरण के चक्कर में। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है, ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शाम, शरीर शाम, विचार शाम, सृष्टि शाम, वातावरण शाम, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस देह जो आकार आपको मिला, पुरुष का, स्त्री का, छोटा बड़ा, काला गोरा, जो आकार मिला उसमें निराकार आत्मा है, वो सत्य है, वो अष्ट गुणों की संपदा है।
अमूर्त है, उसका आकार नहीं है, उसका वजन भी नहीं है। ऐ गुरु लघु है वो, वजन शरीर का है, आकार का है, निराकार का वजन नहीं, निराकार का आकार नहीं। सुख निराकार में है, शक्ति निराकार में है, ज्ञान निराकार में है, दर्शन निराकार में, वो आपके भीतर है। जब आप आंखें बंद करके मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा जो बना रखी है, मेरी धारणा मेरी परंपरा मेरे संस्कार मेरे विचार, ये सब मिथ्या है, ये मिटने वाली है, ये सब मोह का पोषण करने वाली है। जितना जितना मोह का पोषण करोगे संसार बढ़ता चला जाता है। आज आप संकल्प कीजिए, मोह को कम कीजिए, सत्य में जिए और जो आपको मिला है, जो धर्म मिला है, उसमें रहने का पुरुषार्थ कीजिए। आते जाते श्वास को जाने और देखें, श्वास जुड़ी है चेतना से, देह से। चेतना है तो श्वास लेते हैं, पांच इंद्रियां कार्य करते हैं, भोजन पचता है, रस बनता है। चेतना चली जाए तो कोई भी साथ नहीं रहता। किसी विचार संस्कार भावना को महत्व ना दें, अपने भीतर उस शुद्ध चेतना का एहसास करते हुए प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब प्राणी मेरे समान हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता व्यक्त करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल से। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोये सरसावनंद। धम्म मंगल मुक्ति धम्म आयम चा संयम।
देवावितंग नमम सर्वे जस धन्य श्याम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धर्मामंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धर्मा लोगुत्तम चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरणं प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर जैन बाजार जम्मू पंकज जैन आशा जैन प्रियंका जैन आर्या जैन याशिका जैन वैभव जैन 9149899466